अगर फिरदौस पर रोए जमीअस्त, हमीअस्त तो हमीअस्त तो हमीअस्त। क्या खूब कहा था मेरे खुसरो साहब ने कि कश्मीर की तारीफ जो उनने चंद लफ्ज़ों में की थी कि अगर जन्नत कहीं पर है ज़मीन पर तो कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर। मैं इशरत फारूक और आप देख रहे हैं द स्ट्रेट लाइन। आज हम बात करेंगे कश्मीर की ट्यूलिप गार्डन की, जो कि पूरे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपनी एंट्री की है। जी हाँ, शामिल जो है हुआ है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन, जो कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के नाम से मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है। और इसकी इनॉग्रेशन जो है 2008 में गुलाम नबी आज़ाद ने की थी, जब वो चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के। और आज जो है इसका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो है आया है। ये कामयाबी बहुत बड़ी है जम्मू कश्मीर के लिए। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के टूरिज्म की, तो यहाँ की इकोनॉमी का बहुत मैक्सिमम हिस्सा जो है वो यहाँ का टूरिज्म से आता है। और टूरिज्म को अगर हम बैकबोन ऑफ जेएनके की इकोनॉमी कहेंगे तो इसमें कोई दोराई नहीं है, क्योंकि सच में जो एक बहुत बड़ा हिस्सा इकोनॉमी का जेएनके का टूरिज्म जो है वो कंट्रीब्यूट करता है उसमें। तो अगर हम बात करें इस गार्डन की, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश नज़ारे जो है वो देखने को मिलते हैं। स्प्रिंग सीजन की अगर हम बात करें कश्मीर के अंदर, यहाँ पर मार्च और अप्रैल के महीने में जो है मौसम बहार में यहाँ पर फूल खिलते हैं, और बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के फूल यहाँ पर होते हैं। टुलिप्स के अलावा भी यहाँ पर 48 किस्म के और फूल जो यहाँ पर खिलते हैं। डेफोडिल्स की बात करें या रोज़ेस की बात करें, तो अलग अलग किस्म के फूल जो यहाँ पर बहुत ही दिलकश और ख़ूबसूरत नज़ारे जो हैं यहाँ पर, उन नज़ारों में जो है चार चांद लगा देते हैं। अगर हम बात करें इसके अलावा भी यहाँ पर जब ये सर्टिफिकेशन एक मिला, जब एक बहुत बड़ा ओहदा जो है कश्मीर के इस ट्यूलिप गार्डन को दिया गया, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में जब इसको एक बहुत बड़ा मकाम दिया गया, उसे एक पहचान दी गई, तो वहाँ पर जो सेक्रेटरी जनरल जो हैं यहाँ पर, अगर देखें इसके फ्लोरिकल्चर एंड गार्डन्स के फयाज अहमद शेख जो हैं, उन्हें जो है वो दिया गया सी, और प्रेसिडेंट जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के, उनके द्वारा ये जो ऑनर उन्हें दिया गया, ये ट्यूलिप गार्डन को दिया गया। और फयाज अहमद जो कि सेक्रेटरी हैं फ्लोरिकल्चर एंड गार्डन्स के, उन्होंने जो है ये मुबारकबाद जो है ये उन गार्डनर्स को दी, जिन्होंने अपनी मेहनत से चार चांद लगाए थे इस दिलकश खूबसूरत नज़ारों में जो कि इस बाग में देखने को मिलते हैं हर साल। यहाँ पर लाखों की तादाद में जो है टूरिस्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट इलाकों से जो है आते हैं दुनिया से। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगभग इस साल जब स्प्रिंग का सीज़न आया, लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर कश्मीर में जो है इस ट्यूलिप गार्डन में जो है वो आए। तो हर साल यहाँ पर ये जो फेस्टिवल होता है, ट्यूलिप फेस्टिवल होता है स्प्रिंग के सीज़न में, यहाँ पर लाखों की तादाद में जो लोग जो हैं टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं। लगभग 70% लोग, 70% लोग जो हैं वो यहाँ पर टूरिस्ट जो हैं डिफरेंट कंट्रीज से जो यहाँ पर आए थे। यहाँ के लोकल लोग भी इस फेस्टिवल्स में जाते हैं और टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं। तो कश्मीर की एक खूबसूरत बात यही है, मशहूर है अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में। और आज इस बात का प्रूफ भी मिल गया जब ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कश्मीर का ये जो गार्डन है उसका नाम जो है वो आया है। तो ये खुशखबरी और मुबारकबाद जो है सेक्रेटरी जो यहाँ पर गार्डन्स एंड फ्लोरिकल्चर के हैं, उन्हें मुबारकबाद दी, और साथ ही साथ जो CEO एंड प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मुबारकबाद दी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के। और बाकी भी वहाँ पर अहदेदार बहुत काफ़ी लोग थे शामिल, उन्होंने भी जो है मुबारकबाद दी, लेकिन जो फयाज अहमद शेख थे उन्होंने ये मुबारकबाद जो है वहाँ के गार्डनर्स को दी, कहा कि उनकी डेडिकेशन उनकी मेहनत का नतीजा जो है ये है, और जो चार चांद लगाता है यहाँ के कश्मीर के इस बाग की खूबसूरती में।